जबलपुर के कोटवारों को 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर कोटवारों के परिवारों पर संकट खड़ा हो गया है। मार्च, अप्रैल और मई 2024 का वेतन आज दिनांक तक जमा नहीं किया गया, ऐसा कहना जबलपुर के कोटवारों का है। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण परेशान कोटवारों के सामने आर्थिक दिक्कतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। मसलन कोटवारों के परिवारों के सामने अब पेट भरने के भी लाले हैं। कोटवारों ने बताया कि वह कई बार प्रशासनिक अफसरों से भी समय पर वेतन जारी करने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें बस आश्वासन ही मिलता है। आक्रोशित कोटवार ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और हर माह की 7 तारीख तक वेतन जमा करवाने की मांग की है। हर माह 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में जो है हर माह का वेतन जमा हो जाए। पिछले 6 माह से ये हो रहा है कि 3 माह पूर्ण हो जाते हैं तब 2 महीने की पेमेंट दे देते हैं और फिर वही स्थिति फिर निर्मित होती है कि 4 महीने फिर हो जाते हैं तो 2 माह की पेमेंट फिर कर देते हैं। तो हम लोग वैसे ही बहुत कम पेमेंट है हम लोगों की, तो थोड़ी सी उससे आस लगी रहती कि चलो इससे जो भी राशन पानी होगा तो उससे ले लेंगे, लेकिन पता नहीं क्या होता है, क्या करते हैं अधिकारी कर्मचारी कि हम लोगों की पेमेंट नहीं बना पाते, जबकि इस्टीमेट है, सब कुछ है, पैसा है गवर्नमेंट के पास खजाना में, ट्रेजरी में, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की पेमेंट नहीं कर पाते हैं। 3 माह की पेमेंट जमा नहीं हुई है, मार्च, अप्रैल, मई, और खैर फिलहाल में अभी कोई मांग नहीं है, केवल इतना ही है कि अभी हम लोगों को जो वेतन है समय पर दिया जाए। कितनी पेमेंट मिलती है? पेमेंट अब अगला कदम ये होगा कि सबसे पहले तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई हमारे जो उच्च अधिकारी हैं इस पर कार्रवाई करें, मतलब उचित मार्गदर्शन कर उसका, उस समस्या का हल करवाए हम लोगों का। भाई कोई उग्र प्रदर्शन करने का हम लोगों का कोई वो नहीं है कि कोई हम लोग प्रदर्शन करें, केवल मांग है हम लोगों की, बिना विनती कर रहे हैं हम लोग। टीम लोकमंगल।